तो पिछली बार आपने देखा कि कैसे मुखिया जी के कहने पर ऑगी जैक एटलस की सिक्स्थ पावर को ढूंढने के लिए दूसरे डायमेंशन में चले गए। पावर तुम्हें एक पोर्टल में जाकर मिल सकती है और वो पोर्टल हमारे गांव में ही बसा हुआ है, जो कि एकदम गांव के टॉप में जाओगे तो वो पोर्टल तुम्हें खुद ही दिख जाएगा और उस पोर्टल के उस पार दूसरी दुनिया में तुम्हें एक इंडरमैन का बड़े से स्टैचू के अंदर वो पावर तुम्हें मिलेगी। तो जाकर जरूर लेकर आना। पता नहीं वो ड्रैगन वहीं पर होंगे क्या। भैया हम लोग को एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो तो ये क्या, पोर्टल तो एक्टिवेटेड है। भैया तो किस बात की तेरी, फिर चलिए जल्दी से चलते हैं। और अब आगे की कहानी। फाइनली भैया लगता है हम लोग आ चुके हैं। लेकिन मुन्ना हम लोग आ कहां चुके हैं? लगता है मालिक हम लोग किसी दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुके हैं। हाँ ड्रैगो मुझे भी ऐसा ही लगता है। या तो भैया ये वही वर्ल्ड हो। ओए मुन्ना मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और भैया लेकिन हम लोग वुडलैंड मेंशन के पास क्यों आए हैं? मुन्ना शायद से जिस चीज की हम लोग को तलाश है वो मुन्ना इसी वुडलैंड मेंशन में मिले। लेकिन भैया जहाँ तक मुझे याद है मुखिया जी ने तो कहा था कि हम लोग को इंडरमैन का एक बड़ा सा स्टैचू मिलेगा जिसके अंदर हम लोग को एटलस की सिक्स्थ पावर मिलेगी। ओए हाँ ये चीज तो मैंने भी सुना था। लेकिन मुन्ना मुखिया जी ने साथ में ये भी कहा था कि हम लोग एक वुडलैंड मेंशन के अंदर एक इंडरमैन का बड़ा सा स्टैचू मिलेगा। है भैया आपको कंफर्म है कि आपने सही सुना? मुन्ना मैंने सही सुना है, मेरे कान धोखा नहीं खा सकते। हे तो भैया वुडलैंड मेंशन तो हमारे सामने है। तो भैया किस बात की देरी? ओए मुन्ना तेरा भैया देरी हो रही किसी बात की नहीं करता, चल फिर जल्दी से चलते हैं। ओए लेकिन भैया हम लोग को खतरे से भी बचकर रहना चाहिए क्योंकि भैया वुडलैंड मेंशन में पता नहीं किस किस तरह के खतरे हो सकते हैं और भैया एटलस की सिक्स्थ पावर की रखवाली के लिए और भी भैया खतरे हो सकते हैं। चलो ड्रैगो तब तक तुम यहीं पर रहो, हम लोग जल्दी से एटलस की सिक्स्थ पावर को लेकर आते हैं। लेकिन मालिक आप अकेले जाएंगे? हां ड्रैगो क्योंकि तुम अपने साइज के रहते वुडलैंड मेंशन में घुस नहीं सकते। हे भैया यार ये डर्ट कुछ अजीब सी नहीं लग रही क्या? मुन्ना अजीब से तो मुझे भी लग रही है, पहली बार मैंने देखा इस तरह की डर्ट को। ओए भला देखता हूँ कौन सी है। हे भैया ये तो अननोन है यार। मतलब कि भैया इसका तो कोई नाम ही नहीं है। ओए इसको छोड़ मुन्ना, क्या फालतू की डर्ट कलेक्ट कर रहा है तू? हम लोग को एटलस की सिक्स्थ पावर को कलेक्ट करना है। हाँ यार भैया मैं तो दिमाग ही से उतर गया था। चलिए भैया तब तक मैं एक चेस्ट बना लेता हूँ जल्दी से, फिर भैया उसके अंदर चलते हैं। ओए लेकिन मुन्ना चेस्ट क्यों बना रहा है? भैया उसके अंदर मैं एटलस की पावर को रखने वाला हूँ। ओए लेकिन क्यों? भैया यार एटलस की पावर को सेफ रखना बहुत जरूरी है, चाहे भैया हमें कुछ भी हो जाए लेकिन भैया एटलस की पावर सेफ रहनी चाहिए। ओए हाँ मुन्ना सही कहा, क्योंकि हमें अपने वर्ल्ड को भी तो बचाना है ना। ओए चाहे कुछ भी हो जाए एटलस की पावर को कुछ नहीं होना चाहिए। चल मुन्ना अब तो ये सेफ है ना? हाँ भैया अब तो पूरी तरह सेफ है। और भैया अब हम लोग भी जाने के लिए तैयार है। हाँ तो चल मुन्ना मैं भी तैयार हूँ। ओए ड्रैगो तब तक तू एटलस की फिफ्थ पावर की रखवाली करना। ओए कोई भी आकर यहाँ पर कोई भी भटके ना तो उड़ा डालना। ओए मालिक आप टेंशन मत लीजिए, मेरा रहते एटलस की पावर को कुछ भी नहीं हो सकता, उसे कोई हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं कर सकता। हाँ ड्रैगो बहुत बढ़िया, हम भी यही चाहते हैं। चलो ड्रैगो फिर मिलते हैं एटलस की सिक्स्थ पावर को लेने के बाद। ओए मुन्ना एक शील्ड भी बना लेते हैं। हाँ भैया ठीक कहा आपने, पता नहीं भैया अंदर कितना खतरा हो सकता है। और चल ठीक है शील्ड भी मैंने पहन ली है, अब कोई खतरा भी होगा ना तो उसको तोड़ देंगे और फोड़ भी देंगे। ओए और मुन्ना किसी भी हाल में एटलस की सिक्स्थ पावर को लेकर ही आएंगे। हाँ भैया बस हम लोग को अब इंडरमैन का स्टैचू ढूंढना है। ओए मुन्ना यहीं से घुस ले क्या? हाँ भैया घुस लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ओए मुन्ना कोई खतरा वगैरह ना हो। और ये आवाजें किसकी आ रही हैं? हाँ यार भैया ये आवाजें तो मुझे वेंडिकेटर और इवोकर की तो नहीं लगती। ओए वही तो मुन्ना, बहुत ही भयानक सी और क्रीपी सी आवाज है। चलिए भैया अंदर चलकर देखते हैं फिर पता चलेगा। ओए अंधेरा कितना ज्यादा है। हे भैया संभल संभल कर कदम रखिएगा। ओए ठीक है समझ गया। ओए ये कौन आ गया? हे यार भैया गॉर्गन कहाँ से आ गए? ओए पहले इससे मारते हैं नहीं तो मुन्ना बवाल हो जाएगा। हे भैया यार ये तो उदय कुदक का हमें ही मार रहा है। ओए मुन्ना मर गया। हे यार भैया गॉर्गन्स वो भी यहाँ पर? ओए मुन्ना तुझे तो पता है ना गॉर्गन्स अकेले नहीं होते। हाँ यार भैया पता तो है मुझे, मतलब कि यहाँ पर और भी गॉर्गन्स है। ओए मुन्ना ये तो और भी खतरे की बात हो गई, टॉर्च लगा कर चलता हूँ। ओए हाँ भैया संभल संभल कर चलिएगा, कुछ भी हो सकता है। ओए मुन्ना मैंने उधर कुछ देखा। हे भैया क्या देख लिया आपने? ओए मुन्ना हो ना हो वो गॉर्गन्स ही था। हे भैया यार काश ना हो। ओए मुन्ना गॉर्गन्स बहुत खतरनाक होते हैं, वो देख वो आ रहा है हमारी तरफ। हे भैया बो एरो लेकर रखिएगा। ओए टेंशन मत ले, बो एरो मैं कंटिन्यू चलाता रहूंगा। ओए ओए नहीं छोड़ूंगा गॉर्गन्स के बच्चे। ओए मुन्ना गॉर्गन्स वो भी वुडलैंड मेंशन में? ए यार भैया मुझे लगता है ये इन पावर्स की रखवाली कर रहे हैं जो कि भैया एटलस की है। ओए मुन्ना मुझे भी लगता है, और ये तो पास ही बढ़ता जा रहा है। ए भैया छोड़िएगा नहीं, बस मारते रहिए भैया जब तक मर नहीं जाता। ओए मुन्ना लेकिन इसके जैसे और भी होंगे तो उनका क्या करेंगे? जब एक साथ तुम हमारे ऊपर अटैक करेंगे तब क्या करेंगे? हे भैया तब का तब देखा जाएगा, पहले इसे मारते हैं। ओए मर गया। हे भैया बहुत बढ़िया यार। हे यार भैया इस तरह के माहौल में हम लोग को एटलस की सिक्स्थ पावर ढूंढना है, वो कैसे ढूंढेंगे भैया?
और मुंडा ढूंढना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ भैया, ये बात तो आपने सही कही, क्योंकि भैया हम लोग को एटलस की सारी पावर्स ढूंढना है, क्योंकि भैया हमें अपने दोस्त ढिल्लू को भी तो बचाना है ना उन खतरनाक डीमन से। ओए हाँ मुन्ना, बेचारा ढिल्लू इस वक्त किस हालत में होगा। ओए मैं एटलस की पावर जल्द से जल्द ढूंढ कर ढिल्लू को बचाऊंगा। भैया यार, हम लोग को इंडरमैन का स्टैचू ढूंढना है, क्या कर रहे हैं? ओए मुन्ना, तूने सही कहा था, मैं भी पता नहीं क्या क्या करता रहता हूँ एटलस की पावर के लिए, पता नहीं मैं क्या क्या कर रहा था। हे यार भैया, हम लोग को एक इंडरमैन का बड़ा सा स्टैचू ढूंढना पड़ेगा, उसी के अंदर भैया मुखिया जी ने बताया था कि हम लोग को उसी के अंदर एटलस की पावर मिलेगी, लेकिन भैया मुखिया जी ने एक खतरे के बारे में नहीं बताया था। और तूने देखा? हाँ भैया, शिव को कितनी भयानक तरीके से मार दिया, और लेकिन ये अभी हमारी तरफ बढ़ रहा है। हे यार भैया, ये तो बहुत खतरनाक मूल है, हमारी तरफ बढ़ रहा है। और नहीं छोड़ूंगा मुन्ना, टेंशन मत ले, और तोड़ दूंगा और फोड़ भी दूंगा। और ये ले गॉर्गन के बच्चे, अब तू मेरी बहुत से बचने नहीं वाला। ओए हे यार भैया, ये लोग कितनी हेल्थ लेकर आए हैं। ओए मुन्ना, इनकी हेल्थ बहुत होती है और इनका डैमेज रेट भी बहुत भयानक होता है। ये देख मुन्ना कैसे अपना मुंह फाड़ रहा है। हाँ भैया, वो हमें खाने के लिए ही बढ़ रहा है। ओए लेकिन खा नहीं पाएगा, देखा ना, मार दिया मुन्ना। बहुत बढ़िया भैया, इनका भैया सफाया करते चलना है। वैसे तो भैया इनका सफाया किया नहीं जा सकता। ओए लेकिन रास्ते में कितने भी मिलेंगे, सबको तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। ओए मुन्ना, उसका बच्चा है भैया, भागे यार, उसके बच्चे को मत देखिए, वो देखिए उसके पीछे एक और था। ओए मुन्ना, ये गॉर्गल से डरा ही देते हैं, ये जंगल में इतने घने जंगल में कर क्या रहे हैं? भैया शिकार कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? भैया बेचारी शीप्स को मार रहे हैं, काउस को मार रहे हैं, और क्या खाने के लिए? और भैया ये हमें भी खाना चाहते हैं, और लेकिन खा नहीं पाएंगे। और ये ले गॉर्गन्स, अब तू मेरी एरो खा और कुछ न खा, ये ले तोड़ दूंगा तोड़ भी दूंगा। हे ये ले, नहीं छोड़ूंगा, अब ये मेरी भी एरो खा, ये ले होगी की एरो, जल्दी से मर जाओ। और बहुत बढ़िया मुन्ना, इसी तरह से। हाँ भैया मार दिया। भैया इसका बच्चा कहाँ गया, उसको भी निपटाना पड़ेगा, नहीं तो भैया वो भी बड़ा हो जाएगा। और ये ले, ये तो एक तलवार में ही निपट गया। हे यार भैया, हम लोग इन गॉर्गन्स को क्यों मार रहे हैं, हमें तो एटलस की पावर ढूंढना है ना। और मुन्ना सामने आ जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हे भैया इसके पीछे तो नहीं है? और मुन्ना वो स्टैचू है, किसी के पीछे थोड़ी होगा। हाँ यार भैया, इतना बड़ा स्टैचू और हम लोग को दिख क्यों नहीं रहा? ओए मुन्ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इंडरमैन का वो भी इतना बड़ा स्टैचू मुखिया जी ने जैसा बोला था, वो इस वुडलैंड मेंशन के अंदर कैसे हो सकता है? हे भैया क्यों नहीं हो सकता? बिल्लियों मुर्गियों का और भैया वेंडिकेटर का स्टैचू आपने देखा है ना भैया वुडलैंड मेंशन के अंदर, और वो तो है। हाँ तो भैया यार, इंडरमैन का भी हो ही सकता है भैया, बस हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। ओए मुन्ना, सामने गॉर्गन आ गया, और ये कितने सारे है। हे भैया, मैंने बोला ना ये अकेले नहीं रहता है। हे भैया यार, देखा कैसे मारा, ओए अब मैं इसे मारूंगा। ओए इसका मुंह तो देख कितना बेकार लग रहा है। हे भैया छोड़िएगा नहीं, ओए नहीं छोड़ूंगा, मुन्ना टूट गया। हाँ भैया बहुत बढ़िया, भैया यार इनको लगता है तलवार से ही मारना चाहिए, जल्दी मर जाते हैं। ओए मुझे भी ऐसा ही लगता है, चल अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये इंडरमैन का स्टैचू भला है किधर। ओए हे भैया, जल्दी ढूंढना पड़ेगा। हे भैया यार, एक और गॉर्गन, और ये कितने सारे हैं, लगता है इनका पूरा झुंड मुन्ना इस वुडलैंड मेंशन में बसा हुआ है। हाँ यार भैया, इनको खत्म करना भैया नामुमकिन है, और लेकिन अभी जितने रास्ते मिलेंगे सबको तोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे एटलस की पावर चाहिए। हे यार भैया, ये इंडरमैन का स्टैचू भला कहाँ हो सकता है, उतनी देर से ढूंढ रहे हैं, और ये हड्डी क्या कर रहा है? और ये हड्डी तुझे गॉर्गन नहीं खा रहे क्या, निकल ले। हे यार भैया, इंडरमैन की स्टैचू को ढूंढिए, हड्डी को छोड़िए। और चल ठीक है, ढूंढते हैं, और क्या कहाँ गया, और ये स्टैचू है कि वो। हे भैया यार, ये स्ट्रक्चर कुछ अजीब सा लग रहा है, यही तो नहीं है, ये तुझे इंडरमैन का स्टैचू लगता है। हे भैया एक मिनट, ये बाहर क्या है? वाह मुन्ना, वैसे इस तरह के स्ट्रक्चर तो कभी नहीं होते वुडलैंड मेंशन में। हे भैया हो ना हो, ये इंडरमैन का स्टैचू है, देखिए भैया कितना बड़ा यार। भैया मतलब कि आगे था, और भैया हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। ओए मुन्ना, हम लोग आगे ही आ जाते हैं तो सबसे पहले ही मिल जाता। ओए लेकिन भैया उधर देखिए, गॉर्गन्स कितने सारे घूम रहे हैं। ओए मुन्ना, गॉर्गन्स को तोड़ेंगे और फोड़ेंगे भी। हे भैया संभल कर, बहुत सारे हैं इस बार तो। ओए मुन्ना वैसे ठीक तो कहा, चल एक एक को निपटाते हैं। और ये क्या, एक तो हमारे तरफ ही बढ़ रहा है। ए भैया दूसरा भी बढ़ रहा है, भाग गया भैया यहाँ से। और ये क्या, ये तो पीछे ही पड़ गए। ओए मुन्ना, दो दो गॉर्गन भारी पड़ जाएंगे हमारे ऊपर, इसलिए तो भैया बोल रहा हूँ भाग गया यहाँ से, नहीं तो बहुत मारेंगे। ओए आ जाओ नमूनो, नहीं छोड़ूंगा। ओए आ जाओ एक एक करके आओ। हे भैया किसी को नहीं छोड़ेगा, और टेंशन मत ले मुन्ना, सबको तोड़ दूंगा फोड़ भी दूंगा। ये ले नहीं छोड़ूंगा, और ये ले तू भी खा। और ये क्या, कुछ ज्यादा डैमेज दे रहा है। भैया एक और आ गया, और ये क्या कितने सारे हैं, तीन तीन आ गए, एक तो मर गया मुन्ना, दो और बचे हुए हैं। हे भैया यार एक बच्चा आ गया, वो देखिए भैया आ रहा है। भैया बस सीट लगाए रहिएगा, क्योंकि भैया अगर सीट भटी तो भैया हम लोग भी नहीं बचने वाले, और टेंशन मत ले टूटने वाले हैं। और नहीं छोड़ूंगा, और मुन्ना दोनों मर गए। हे यार भैया बच्चा बचा हुआ है, और ये ले इसको भी तोड़ दिया, और भैया फोड़ भी दिया। बहुत बढ़िया भैया, गाइस इस बात पे तो एक लाइक बनता है, जल्दी से वीडियो पे लाइक मारो। और बिल्कुल सही कहा दोस्तों, आज तो मुन्ना बाल बाल बच गए। हाँ भैया सभी मिलकर एक ही साथ टूट पड़े यार। और चल मुन्ना, अब स्टैचू तो मिल गया, अब हम लोग को स्टैचू के अंदर ही एटलस की सिक्स्थ पावर मिल सकती है। हे भैया लेकिन और भी है इधर। हे भैया देखिए कैसे छलांग मारा। और रुक जा, भी बताता हूँ, ये मेरी एरो खाएगा।
ये ले, ये कहाँ उड़ गया? यहाँ पर आ गया। रुक जा, लगता है तलवार ही निकालना पड़ेगा, चल निकल ले। ए यार भैया, ये छोटे वाले तो और भी खतरनाक होते हैं। और वही तो, देख मुंडा, ये इंडरमैन का कितना बड़ा स्टैचू है। हाँ भैया वही तो। ए भैया, ये कौन मार रहा है? और भी है, ये देख, उधर भी एक है। और ये पहले इस बच्चे को निपटाता हूँ, बहुत कूद रहा है ना। और ये ले, कहाँ चला गया? और ये क्या, बड़ा वाला भी आ गया। और मुंडा, दोनों एक साथ ही अटैक कर दिया है। भैया रुक जाइए, मैं देखता हूँ। नहीं छोड़ूंगा। भैया कितना भयानक मुंह है इसका। ये ले, अब मेरी मार का। ओए रुक जा, मेरे मुंडा को मारा, नहीं छोड़ूंगा। और मर जाओ ना, एक तो गया। और ये पिद्दी बहुत उधक रहा है, चल तू भी निकल ले। ओए मुन्ना, ये बच्चा, ओए चल, ओए मर जाना। ये ले भैया, यार इनको मारते मारते तो भैया मैं भी थक गया। ओए वही तो, मुखिया जी ने मुन्ना इन गॉर्गन्स के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? हे भैया, शायद से मुखिया जी को ना पता हो। ओए कैसे नहीं पता होगा, इतने सारे गॉर्गन्स मुन्ना पता नहीं कब से बस रहे हैं। और ये बच्चा क्यों परेशान कर रहा है? ओए बच्चा निकल ले। ओए एक और गया। हे भैया, सामने एक और बचा हुआ है। और तो चल फिर इसका भी सफाया कर कर ही आते हैं। ओए आजा, अब तुझको भी नहीं छोड़ूंगा। ये ले, अब मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मार खा मेरी तलवार से, जल्दी से मर जाएगा। ए मर जाना यार। ओए इसको लगी नहीं रही, अब लगेगी। भैया रुक जाइए, अभी बताता हूँ। ये ले, मुझे मारेगा। हे भैया, ये शील्ड ना होती तो भैया हमारा क्या होता? और कुछ ना होता मुन्ना, बैंड बच जाती। आज इस शील्ड ने मुन्ना बहुत साथ दिया, इसलिए मुन्ना मैंने पहले ही बोला था कि शील्ड बनाकर चलते हैं। अब ये बता, इसके ऊपर कैसे चढ़ेंगे? हाँ यार भैया, कैसे चढ़ेंगे? चलिए भैया ब्लॉक लगा कर ही चढ़ते हैं। और लेकिन इतने ब्लॉक थोड़ी हैं उतनी ऊंचाई पर। हे भैया, वैसे हम झाड़ियों के थ्रू भी चढ़ सकते हैं। और वो कैसे? हे भैया बताता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए, फिर बताता हूँ। हाँ भैया, अब दिखाता हूँ कैसे झाड़ियों के थ्रू चढ़ते हैं। हे भैया, जैसे लैडर काम करते हैं ना, वैसे भैया ये भी काम करते हैं। मुन्ना सीढ़ियाँ तो चढ़ने के लिए होते हैं, इस झाड़ियों में कैसे चढ़ सकते हैं? हे भैया बताता हूँ, ये देखिए भैया, अब हम लोग चढ़ जाएंगे आसानी से। और क्या बात है मुन्ना, हम लोग तो आ गए। और इधर एक गेट है, हो ना हो इसके अंदर एटलस की पावर होगी। ओए मुन्ना, इसके अंदर तो एक अच्छा खासा रूम है। हाँ भैया, कितना बेहतरीन रूम है यार। और तो चल, अब जल्दी से एटलस की पावर को ढूंढते हैं। हाँ भैया जल्दी ढूंढते हैं, इसके अंदर देखता हूँ। ओए खाली है, ये भी खाली, और ये भी खाली, और ये भी खाली। ओए कहाँ है मुन्ना, यहाँ तो नहीं है। हे भैया ये क्या यार, यही तो मुखिया जी ने बोला था। और ये क्या, मुखिया जी ने मतलब हमको झूठ बोला? नहीं यार भैया, यही होना चाहिए यार। ये कैसे हो सकता है, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। एटलस की पावर मुन्ना हम लोग को यहाँ पर नहीं मिली। हे भैया शांत हो जाइए यार। अभी भैया ऊपर जाना तो बाकी है, अभी भैया शायद से ऊपर मिल सकती है। आए मुन्ना, वो उसका सर है, उसके अंदर क्या ढूंढेगा? हे भैया, तो उसके सर के अंदर हम लोगों ने अभी तक चेक थोड़ी किया है। आए मुन्ना, क्या पगला की बातें कर रहा है, सर के अंदर जाएगा? ओए एक मिनट, इधर तो एक गेट है। हे यार भैया, मैंने क्या बोला था? और तो चल फिर जल्दी से घुस चलते हैं। ओए क्या बात है, ये भी एकदम आलीशान रूम है। हाँ भैया बढ़िया रूम है यार। भैया इसके अंदर हो ना हो एटलस की पावर जरूर होगी। ओए मुन्ना, मुझे एक इंट चेस्ट दिखा, इसके अंदर देखता हूँ जल्दी से। हाँ भैया देखिए खोलकर। ओए रुक जा, ओए खुल जा। ओए मुन्ना, यही है क्या? हाँ भैया, मुझे भी यही लगता है। तो भैया हम लोगों ने फाइनली एटलस की सिक्स्थ पावर को ढूंढ लिया यार। ओए मुन्ना, फाइनली इतना ढूंढने के बाद पावर मिली गई, वो भी एटलस की सिक्स्थ पावर। ओए मजा ही आ गया। हाँ भैया मजा आ गया। ओए मुन्ना, इधर तो नेदरराइट का सूट भी है, ले ले क्या? हाँ भैया ले लीजिए, नेदरराइट का सूट और भी मजबूत हो जाएगा, और भैया दुश्मनों से लड़ने के लिए भी। ओए वही तो। चल मुन्ना, मैंने नया सूट भी ले लिया और पुराना भी ले लिया। ओए यहाँ पर मुन्ना कुछ छूटना नहीं चाहिए। चलिए भैया अब चलते हैं यार। वैसे यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। ओए मुन्ना क्या बात है, एटलस की सिक्स्थ पावर मिल चुकी है, अब बस मुन्ना अपने डिल्लू को छुड़ाना है। और मुन्ना उस वेदर ड्रैगन की बैंड बजानी है, उसकी इतनी हिम्मत, हमारे डिल्लू को मुन्ना किडनैप करता है। चलिए भैया, अब हम लोग को देर नहीं करनी चाहिए। और चल ठीक है, अब हम लोग बिल्कुल नहीं देर करेंगे। और ये क्या है यार भैया, ये क्या, इतने सारे दोबारा से आ गए। और मुन्ना लगता है इन्होंने हम लोग को सूंघ लिया, पता नहीं भैया मुझे भी ऐसा ही लगता है। ओए इतने सारे, अब इनसे कैसे निपटेंगे? हे भैया इनसे तो निपटना नामुमकिन है। और पता नहीं भैया अभी भी कितने सारे हैं ये। और मुझे लगता है ये इनका पूरा एरिया ही है, इतने सारे गॉर्गन्स। ओए मुन्ना, इनके झुंड में अगर इस बार पड़े हैं तो नहीं बचेंगे, उस बार तो मुन्ना तीन ही हमारे ऊपर भारी पड़ गए थे, ये इतने सारे इनसे कैसे निपटेंगे? हे यार भैया, इधर से अब हम लोग को भागना पड़ेगा। ओए मुन्ना, इनके बीच से निकल कर कैसे भागेगा, पगला गया है क्या? हे भैया भागना तो पड़ेगा ही, नहीं तो भैया हम लोग अपने घर कैसे पहुँचेंगे, अपने डिल्लू को कैसे छुड़ाएंगे? ओए मुन्ना, डिल्ली को ले तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये इतने सारे हैं, कैसे जाएं, कुछ तो सोच मुन्ना। हाँ भैया वही तो सोच रहा हूँ यार। भैया एक मिनट, उधर साइड पानी है, और भैया हम लोग अगर यहाँ से कूदे तो निकल सकते हैं, और यहाँ से कूदेंगे तो मर भी जाएंगे। हे यार भैया, लेकिन हमारे पास वाटर बकेट है, आप टेंशन क्यों लेते हैं? और वैसे आइडिया तो तेरा सही है, लेकिन मुन्ना नीचे उतरते ही अगर गॉर्गन्स पीछे पड़ गए तो क्या करेंगे, वो भी इतने सारे हैं ये।
भैया ऐसा करते हैं, पहले इस साइड से हटने का इनका इंतजार करते हैं, जैसे ही भैया हटते हैं हम लोग कूद पड़ेंगे। और अभी एक तो नीचे ही घूम रहा है, अगर नीचे कूदे तो मुन्ना वो लोग सभी झपट पड़ेंगे। हाँ भैया रुक जाइए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ने का इंतजार करते हैं, और जल्दी से चला जा। और मुन्ना जा रहा है, चलिए भैया फिर यही मौका है, जल्दी से कूदते हैं। और चल मुन्ना फिर किस बात की देरी। हाँ भैया तो है भैया यार संभल कर। और ये क्या एक और आ गया। और मुन्ना ये लोग किनारे पर है, रुक जा अभी दिखाता हूँ इनको। और ये लो मेरी मार खाओ। और मुन्ना एक टपक गया। ए भैया दूसरे को भी इसी तरह से गिरा दीजिए। और रुक मुन्ना गिराता हूँ। और निकल लिया मुन्ना। भैया तू सिगरेट हो, चलिए भैया फिर किस बात की देरी, जल्दी से कूदते हैं। और कूद चल मुन्ना। और ये क्या फंस कैसे गए। ए यार भैया पानी डालिया। और ये क्या गिर गए। ए भैया भागे नहीं तो यहाँ से बचने नहीं वाले। और मुन्ना अपना प्लान तो फ्लॉप हो गया। ए भैया जल्दी से पानी में कूदिए। और ये क्या, और इधर पानी था बच गए। भैया जल्दी से भागे यार, हमारे पीछे गोरगन पड़ा हुआ है। और पहले किनारे में चलते हैं। आज तो मुन्ना बाल बाल बच गए। ओए हाँ भैया यार बाल बाल बच गए। देखिए भैया एक पीछे पड़ा हुआ है। ओए वो देख ऊपर से कैसे देख रहे हैं। ओए कुछ नहीं कर पाओगे। ए भैया उनको चैलेंज मत दीजिए यार, इस जंगल में उनका पूरा ही एरिया है। पहले भैया यहाँ से जल्दी से भागते हैं, एटलस की पावर मिल चुकी है। और मुन्ना उनको हम लोग का भी पता चल चुका है कि हम लोग यहाँ पर हैं। ओए इसीलिए तो भैया यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा। ए भैया यार गड्ढे में मत गिरिए। और जल्दी से मुन्ना सामान वगैरह उठा और जल्दी से चलते हैं। ए यार ड्रैगो जल्दी से तैयार हो जाओ। जय मालिक मैं तो एकदम रेडी हूं, जल्दी से आप सामान ले लीजिए। हाँ यार ड्रैगो मैं जल्दी सामान ले लेता हूँ। जल्दी से भैया बेड उठाइए। ओए उठाता हूँ रुक जा। और ये किया बेड कलेक्ट। और चल मुन्ना अब मैं एकदम रेडी हूँ। और भैया मैं भी, चलो ड्रैगो फिर जल्दी से चलते हैं, किस बात की देरी। जय मालिक बस आप सही सलामत चले हैं, यही अच्छी बात है। चलिए मालिक अब चलते हैं। ए यार भैया यहाँ पर तो कितना ज्यादा खतरा था। ओए मुन्ना बहुत ज्यादा खतरा था। चलिए भैया अब घर लौटते हैं।